बेलदौर किसान नेता शैलेंद्र शर्मा ने हमारे खगड़िया संवाददाता सुमलेश कुमार यादव से बताया कि NH 107 महेश खूंट से सहरसा तक सड़क के चौड़ीकरण का जो कार्य चल रहा है उसमें संवेदक प्रकलन के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। वहीं संवेदक के लापरवाही के कारण आए दिन उक्त मार्ग में छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है, क्योंकि संवेदकों के द्वारा जगह जगह पर खड्डे खुदाई कर छोड़ दिए गए एवं सड़क निर्माण में पानी के छिड़काव भी कम हो रहा है। किसान नेता शैलेंद्र कुमार वर्मा ने कार्यस्थल पर जाकर मुआयना किया तो उन्होंने देखा कि पीर नगरा और बेला नोवता में बीच सड़क निर्माण में संवेदक प्रकलन के विपरीत कार्य कर रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा के अनुसार उक्त सड़क निर्माण में संवेदकों को चाहिए कि सबसे पहले बालू गिट्टी एवं जो भी सामग्री उक्त सड़क निर्माण कार्य चल रहा है वह नए और प्रकलन के अनुसार देना चाहिए तथा संवेदक पुरानी रोड को तोड़कर उसी का पीचिंग वाली छाई उक्त सड़क निर्माण में लगे हैं, जिससे सड़क की मजबूती पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है। शैलेंद्र वर्मा के अनुसार अगर इस तरह की घटिया सड़क का निर्माण किया जाएगा तो समय से पहले ही टूट कर बिखर जाएगा। उन्होंने जिला पदाधिकारी एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारी से मांग की कि NH 107 की जो भी चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए ताकि सड़क की मजबूती बनी रहे। वर्तमान में जिस सड़क का निर्माण संवेदक के द्वारा किया जा रहा है उक्त पुरानी पीचिंग को तोड़कर उसी को लगा दिया जाता है और जिससे कि सड़क कमजोर और गुणवत्ता विहीन बन रही है। कुछ लोगों के द्वारा सड़क किनारे जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो मुंशी मैनेजर धीरे धीरे वहां से खिसक लिए, कुछ भी बताना उचित नहीं समझा। इस संबंध में विभागीय एजुकेटिव से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनके मोबाइल स्विच ऑफ बताए। वही शैलेंद्र वर्मा ने बताया कि संवेदक अगर सड़क निर्माण प्रकलन के अनुसार नहीं करेंगे तो लोग इसका विरोध करने के लिए सड़क पर उतर सकते हैं। जो काम तो चल रहा है NH 107 का, इसमें आपका क्या कहना, क्या दिक्कत है? कचरा जो दिया जा रहा है जैसे हमारे नेता जो बता रहे हैं सभी चीज को बनाने की सही चीज बनना चाहिए। गलत काम कर रहा है, कचरा दे रहा है, इसका जो प्रावधान है ही उसको देकर के काहे बना रहा है? मतलब प्रकलन के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है तो आप लोग शिकायत किया गया? शिकायत तो अभी होगा ना, अभी देखते तो अभी नहीं। अच्छा, पहले तो नहीं देखते थे, ऐसा करते हुए किससे शिकायत करते हैं? उनका भी पहुँच गए तो अपने आप शिकायत तो होगा ही। अभी आप स्थानीय ग्रामीण के बात सुन रहे थे, इन लोगों के बाद जो है आगे पदाधिकारी तक हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास करेंगे। R9 भारत के लिए स्पेशल रिपोर्ट, बेलदौर। बेलदौर ग्रामीण कार्य विभाग राज्य योजना अंतर्गत नाबार्ड ऋण संपोषित योजना से बेलदौर प्रखंड अंतर्गत प्रिय नगर पंचायत के केहर मंडल टोला से पश्चिम ड्रेनेज में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य संपन्न होने के बाद उसका विधिवत उद्घाटन विधायक पन्ना लाल सिंह पटेल के द्वारा किया गया। उक्त कार्य को संवेदक मनोज कुमार बैजनाथपुर सहरसा के द्वारा किया गया। उक्त पुल का अप्रोच पथ का निर्माण सही से नहीं होने के कारण उसमें जगह जगह रेन कट गया है, जिस कारण आए दिन इस रास्ते में चल रही छोटी बड़ी वाहनों को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी प्रतिनिधि उदय मंडल ने विभागीय पदाधिकारी का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग की है कि अगर समय रहते पुल के बगल में बने रेनकट का मरम्मत कार्य नहीं हो पाया तो आने वाले समय में एक बड़ी दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि उक्त रेनकट में कई वाहन चालक गिरकर घायल हो गए हैं। वहीं उदय कुमार मंडल ने हमारे खगड़िया संवाददाता सुमलेश कुमार यादव से बताया कि उक्त पुल में रेनकट हो जाने के कारण मोटरसाइकिल एवं चार चक्का वाहन कई बार इसमें फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, इसलिए सरकार और प्रशासन को ध्यान उन्होंने आकर्षित करवाते हुए उक्त रेन कट का मरम्मती कार्य समय करवाने की मांग की है। केहर मंडल टोला से जो कंजे की तरफ जाती है सड़क, बीच में जो पुल बना हुआ है वह जगह जगह वहां पर रेन कट हो गया है, इस पर आपका क्या कहना? एक्चुअली सबसे पहला बात है ठेकेदार के द्वारा फ्लैंग में जो मिट्टी पड़ना चाहिए वह नहीं पड़ा, और आज एक महीना पहले खदान का सामग्री जा रहा था जिसमें कि पुल के अप्रोच धंसने के कारण से बड़ी दुर्घटना भी हो सकता था, लेकिन बाल बाल वह बच गया। ग्रामीण के द्वारा फिर सहयोग करके उस 407 को निकाला गया। इससे पूर्व भी इसका न्यूज़ दिया गया था सोशल मीडिया के द्वारा, लेकिन इस ठेकेदार मनोज यादव को कोई भी इसका खबर नहीं है, जबकि कई बार स्कूटी साहब से भी मैंने गुहार लगाया कि इस पर फिर बड़ा दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि ये हजारों गाड़ियां कंजरी पटेरवा इटहरी बासा का गाड़ी चलते रहती है देर रात तक, या कभी दुर्घटना हो सकती है। आप जिला पदाधिकारी से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं मांग करना यही चाहता हूं कि शीघ्र स्कूटी साहब हो तो वह शीघ्र ठेकेदार को कहे कि जल्द से जल्द इसे बनाया जाए ताकि कोई अपशगुन घटना ना घटे आगे। आपका परिचय? मेरा उदय कुमार नाम, केहर मंडल टोला, जिला जदयू सचिव।
R9 भारत के लिए सुमलेश कुमार यादव की रिपोर्ट, खगड़िया। बेगूसराय में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। घटना नगर थाना क्षेत्र के नगर निगम चौकी की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते बैंक के अंदर कागजात व अन्य सामान भी जलकर राख हो गए। अभी तक नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सका है और बैंक में पदाधिकारियों के आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने की क्षति हुई है, लेकिन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह ऊपर से आसमानी बारिश हो रही थी, लेकिन बैंक की मुख्य शाखा में धुआं ही धुआं हो रहा था। सूचना पाकर दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। 7:35 आग लगा, पीछे में मेरा घर है, हम खड़ा होकर वहाँ देख रहे थे, पूरा वीडियो बना हुआ, आगे से धूप उठना शुरू हुआ है और धुआं उतर के पूरा काले काले फिर पीछे साइड से अगल बगल फिर और 8:09 लापरवाही कर सकते हैं, इतना देर लगेगा 5 आने को। मैं एसबीआई के स्टाफ थे, उनको भी मैंने कॉल किया था, मैंने उनको वीडियो पर दिखाया, देखिए आपके ब्रांच में आग लग गई, 7:35 आग लगी है हमारे पास पूरा, हमने पीछे में घर है, छत पर बैठा हुआ था, मैं पूरा उसका देख रहा था, मैं सोचा कि कागज बच पर चला रहा होगा आंगन में, आंगन से धुआं शुरू हुआ दक्षिण साइड। R9 भारत के लिए कुमार गौरव की रिपोर्ट, बेगूसराय। चौसा मधेपुरा चौसा पुलिस ने भटगामा में छापेमारी कर एक देसी पिस्तौल व 2 जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार चौसा पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि भटगामा मध्य विद्यालय के पास एक युवक किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष रवीश रंजन, सहायक अवर निरीक्षक प्रदीप कुमार एवं पुलिस बल के साथ उक्त स्थल की ओर रवाना हुए तथा भटगामा निवासी सुबोध यादव को रंगे हाथ एक पिस्तौल एवं 9 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद चौसा थाना ले गए, जहां आरोपी को कोविड-19 का जांच चौसा अस्पताल में कराने के बाद विशेष पूछताछ के लिए पुलिस अधीक्षक SP योगेंद्र कुमार मधेपुरा के सामने प्रस्तुत किया गया है। कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें कल एक हम लोग को बड़ी सफलता मिली है। ये दोनों सफलताएं जो हैं अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई हैं। एक हम लोग को शंकरपुर में एक बड़ा कुख्यात अपराधी बंधन गिरफ्तार हुआ है और एक चौसा में एक आदमी हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ है। इन दोनों ही घटनाओं में टोटल हमें 12 गोलियां जब्त हुई हैं अपराधियों के पास से। 2 देसी कट्टा बरामद हुए हैं और 2 चोरी की लूट में जो ये लोग मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते थे वो भी मिला है हम लोगों को। जो अपराधी शंकरपुर से गिरफ्तार हुआ है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। उसका नाम है बंधन कुमार उर्फ रंजन। ये अपराधी पिछले 6 महीनों से हम लोग के लिए एक चुनौती बना हुआ था और इसको पकड़ने के लिए मैंने SDPO सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। ये टीम लगातार उस पर काम कर रही थी और कल उसमें हम लोग को एक सफलता मिली है। इस अपराधी बंधन के ऊपर लगभग 14 कांड आपराधिक दर्ज हैं, जिसमें से 6 कांड लूट के हैं और 3 कांड आर्म्स एक्ट के हैं। तो इसकी गिरफ्तारी से यह सभी 14 कांडों में एक प्रकार से सफल उद्भेदन हुआ है और जो हथियार, मोटरसाइकिल और मोबाइल नंबर जो इन लोगों ने इस्तेमाल किया था वो भी मिला है। इसके अलावा जो चौसा में एक अपराधी गिरफ्तार हुआ, उसका नाम सुबोध यादव है। सभी थानों को ये निर्देश दिया गया है कि सुबह और शाम के समय अपराध नियंत्रण के लिए वाहन चेकिंग करते रहें। उसी में यह सफलता मिली है। ये तो इसके पास से भी एक देसी पिस्तौल मिला है और 10 कारतूस मिले हैं। इस व्यक्ति के ऊपर भी एक आर्म्स एक्ट केस पहले से दर्ज है और एक दूसरा भी आर्म्स एक्ट केस दर्ज है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हम लोग को सफलता मिली है और भारी मात्रा में जो हथियार और गोलियां मिली हैं, इससे जो उन क्षेत्रों में अपराध की घटनाएं होती थी अब वो रुकेंगी और इनसे जो हमें जानकारी मिली है उससे भी हम लोग फर्दर आगे कार्रवाई करेंगे। तो इस पूरे घटनाक्रम में हमारे जो SDPO सदर हैं और जो SDPO उदय किशन हैं, दोनों ने अपने नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम किया है। तो मैं अपने तरफ से भी इनको पुरस्कृत करूंगा और मुख्यालय से भी यही अनुशंसा करूंगा। धन्यवाद। R9 भारत के लिए अमर आजाद की रिपोर्ट, मधेपुरा।